गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। चुपचाप बैठा रहा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ताजा हवा लेनी है, मुझे बाहर जाना है। गाड़ी की छत पे चल जा फिर तू। ओके मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इस प्रोफेसर नावला में आपको खुश आमदीद। और आज हम आपको बताएंगे कि चलती हुई गाड़ी की छत के ऊपर आप कैसे चढ़ सकते हैं। ये एक फिल्म टेक्निक है जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम आपको उसका शॉर्टकट दिखाकर बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको हमने एडिट कैसे किया है। तो सबसे पहले चलते हैं कि शूट कैसे हुआ है। इस शूट के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी का शॉट शूट करना है कि गाड़ी सड़क पर जा रही है, मगर उससे पहले दो एहतियात आपने ज़रूर करनी है। एक ये कि जिस साइड से, यानी इस मिरर से ही करेक्टर आपका बाहर आएगा, तो आपने यहाँ पर मार्किंग करनी है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये आपको काम आएगा मोशन ट्रैक के लिए, तो मार्किंग ज़रूरी है। हम इसके लिए टेप का इस्तेमाल करेंगे। एक ये प्रिकॉशन हमें करनी है, और दूसरी हमें ये करनी है कि जब हम शूट कर रहे हैं तो हमने सूरज की पोजीशन को ज़रूर देखना है, कि जब आपका कैमरा सड़क पर गाड़ी को शूट कर रहा है तो सूरज कैमरे के जिस साइड पर है, फिर आपने दूसरा सीन जो शूट करना है, जो कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट होगा, तो सूरज को उसी पोजीशन पर ही रखना होगा। उसके आगे चल के भी कुछ चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं, हम आपको साथ साथ बताएंगे। मगर सबसे अहम बात कि आपने यहाँ पर निशान ज़रूर लगाना है जहाँ से करेक्टर ने निकलना है, वो आपको मोशन ट्रैक में मदद देगा। तो हमने ये टेप ली है जिसकी मदद से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर हम अगला सीन शूट करेंगे। गाड़ी को आप शूट करें तो आप कोशिश करिएगा कि खाली सड़क के ऊपर करें, क्योंकि अगर इतने एक्सपर्ट नहीं है तो रिस्की हो सकता है कि आप ट्रैफिक वाली जगह के ऊपर शूट कर रहे हो। तो कोशिश करिएगा कि आप गाड़ी के अंदर ही, जो आपका कैमरामैन है वो गाड़ी के अंदर हो, तो वो ज़्यादा आसान होगा। कि अगर बूट के अंदर कैमरामैन है तो उसके लिए शूट करना आसान होगा। उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो स्मूथ शूट हो सकेगा, और दूसरी आसानी ये होगी कि आपको फ्रेम ज़्यादा हिलेगा नहीं। कोशिश करिएगा कि आप एक ही फ्रेम, एक ही खास डिस्टेंस पर, यानी जिस गाड़ी को आप शूट कर रहे हैं और जो कैमरामैन आपका है, जो डिस्टेंस है दोनों का, वो तकरीबन सेम रहे, उससे आपका फ्रेम डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये आपको काम आएगा एडिटिंग के अंदर, अदरवाइज़ आपका एडिटिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, आपको एडिटिंग करने में मुश्किल आएगी। तो कोशिश करें कि शूट के दौरान आप जो गाड़ी है जिसको आप शूट कर रहे हो, जो आपका कैमरामैन है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहे। जो भी आपने 20 सेकंड का एक क्लिप शूट करना है, तो वो शूट करते हुए आपने इसका थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है। आप नोट कर रहे होंगे कि गाड़ी के अंदर बैठ के मैं ऊपर का एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ, कि जैसे मेरी गाड़ी की छत के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो या मेरी गाड़ी की छत के ऊपर कोई चढ़ रहा है, तो आपने ये एक्सप्रेशन भी देना है। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन से रियलिटी नज़र आती है। तो एक चूंकि आप एक एडिटिंग कर रहे हैं, मगर जब आप इसको एडिटिंग करके मुकम्मल तैयार करेंगे, तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको काफ़ी वेट देते हैं, आपकी वीडियो को एक रियलिटी टच दे रहे होते हैं। अब हम अगला सीन शूट करेंगे, जो कि हमारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट है। और इसका तरीकाकार क्या था, ये हमने शूट के दौरान एक छोटा सा क्लिप बनाया, आप वो देखें। अब हमारा दूसरा मरहला शुरू है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन हमारी लग गई है, और साथ में हमारा जो करेक्टर है वो गाड़ी के इस विंडो से निकलेंगे, और यहाँ से निकलेंगे और इसके ऊपर चढ़ेंगे। तो अब थोड़ा अंदर होंगे, टेढ़े में फंस जाए करेंगे, नहीं पेड़ नहीं फंसता। तो ये ग्रीन स्क्रीन की हाइट आपने इतनी रखनी कि इनके सर से थोड़ी सी ऊपर ज़रूर हो, ताकि आपको काटने में मुश्किल ना हो। अगरचे अगर थोड़ी कम भी हो तो रोटोस्कोप हो सकती है, मगर थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ग्रीन स्क्रीन पूरी हो तो काम आपका आसान होगा। दूसरी अहम चीज़ कि जब हमने ये गाड़ी का सीन रोड पे शूट किया था, तो सूरज स्क्रीन पे, विंड स्क्रीन पे पड़ रहा था, तो अभी भी सूरज मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपने ये वाला सीन शूट करना है, तो एग्जैक्ट वही सीन होना चाहिए जो आपने रोड के ऊपर शूट किया, यानी सूरज उसी सीन पर ही होना चाहिए। साथ में हमारे साथ पंखा भी है। इस पंखे की हमने एक स्पॉट लेनी है, आपको ब्लोअर हो तो ज़्यादा आसान है, पंखा थोड़ा सा मुश्किल है, मगर पंखे से इफेक्ट थोड़ा हमें एक अच्छा मिलेगा। वो ये है कि जब करेक्टर यहाँ से निकलेगा, आप बाहर आइएगा, जब यहाँ से थोड़ा सा निकलेगा, तो हम यहाँ से पंखा देंगे, पंखे की हवा देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे जेन्युइन जो है वो चलती हुई गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। चूँकि हवा का प्रेशर उस वक्त ज़्यादा होगा, तो वो इम्पैक्ट देने के लिए यहाँ से हम पंखा देंगे, पंखे से हवा देंगे, हवा उनके बालों पर पड़ेगी, शर्ट पर पड़ेगी, तो वो इम्पैक्ट आएगा जो आपको चलती हुई गाड़ी के ऊपर जब कोई शख्स चढ़ेगा छत पर, जो इम्पैक्ट चाहिए होगा वो मिलेगा। अब हम इसको शूट करते हैं। और एक ख़ास बात जो आपको बताना मैं भूल गया, वो ये कि जो शॉट हमने रिकॉर्ड किया था सड़क के ऊपर, अब उस शॉट को हमने देखना है और गाड़ी के ऊपर मार्कर से निशान लगाना है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर भी वो सेम फ्रेम रखना है। ये जहन में रखिएगा
कि हमने शॉट जो पहले किया हुआ है उधर फ्रीज कर देना फ्रेम, और गाड़ी के ऊपर मार्कर से निशान लगाना है, और यहाँ पर सेम एग्जैक्टली वही फ्रेम हमने लेना है ताकि हमें कट करने में आसानी हो। उसके अलावा भी हो सकता है मगर इससे बहुत आसान होगा आपका काम। तो हम शूट करते हैं। हमारे शूट में हमने एक चीज़ की कमी रखी, जो आप जब शूट करें तो ध्यान रखिएगा कि आप जब छत के ऊपर आपका करेक्टर चढ़ रहा है या आप खुद वो ट्राई कर रहे हैं तो छत के ऊपर भी आप ग्रीन या ब्लू कलर का अगर आप पेपर लगा लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा एडिटिंग के अंदर, क्योंकि इसके बाद हमें इसको मास्किंग करना है। तो अगर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन छत के ऊपर भी होगी तो उसको एडिट करना बहुत आसान है। हम अब आपको बताते हैं कि हमने इसको एडिट किया कैसे किया है। जब आप ये प्रोसेस देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि छत के ऊपर अगर हम ग्रीन पेपर या ग्रीन स्क्रीन लगा देते तो शायद हमारा काम और आसान हो जाता, लेकिन इससे भी काम चल गया ऑफकोर्स, मगर ग्रीन स्क्रीन होगी छत के ऊपर भी तो बहुत आसान होगा। हमारा शूट मुकम्मल हो चुका है और अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट का तरीका कार भी बहुत आसान है, मगर आप इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर एडिट करेंगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर मोशन ट्रैक देना है। वो जो जब मरहला आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी मास्किंग करनी है। वो सीन जो हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया जहाँ पर करेक्टर गाड़ी के विंडो से निकल कर छत के ऊपर आ रहा है, हमें सिर्फ उतने हिस्से को मास्क करना है, और इस मास्क वाले हिस्से को उठा के हमने उस गाड़ी वाले हिस्से पे लेके आना है जो आपने शूट किया था, जो हमने शूट किया है सड़क के ऊपर चलती हुई गाड़ी का। यानी हमने विंडो वाला सीन जहाँ से करेक्टर आ रहा है और छत पे चढ़ रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा मास्क करके हमने चलती हुई गाड़ी जो कि मेन रोड पर गाड़ी चल रही है, इस हिस्से को उठा के उसके ऊपर लगाना है, जो जिसको हम मास्किंग कहते हैं। तो ये मास्किंग का अमल जो है हमारा मुकम्मल हुआ। मास्किंग करने के बाद जाहिर है गाड़ी आपकी चल रही है और आपने एक हिस्से का जो कि जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी, जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आपने शूट किया था, उसको उठा के चलती हुई गाड़ी के ऊपर लगाना है। तो आपको जाहिर है वहाँ पर मसला आएगा कि चलती हुई गाड़ी का फ्रेम, हर फ्रेम जो है वो तब्दील हो रहा है। तो आपने इस ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट को चलती हुई गाड़ी के फ्रेम के साथ कैसे मैच करना है, तो आफ्टर इफेक्ट का काम यहाँ पे शुरू होता है कि आपने इसको मोशन ट्रैक देना है। मोशन ट्रैक एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर एक चीज़ मूव कर रही है, जैसे गाड़ी मूव कर रही है उसके ऊपर आप स्टिल चीज़ लगा रहे हैं, यानी रुकी ही गाड़ी का जब शॉट लगा रहे हैं, मोशन ट्रैक इसको टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद जो मोशन ट्रैक है उसको एडजस्ट करेगा। जैसे जैसे फ्रेम हिल रहा है आपका जो ग्रीन स्क्रीन का जो शॉट है उसको खुद ब खुद कंप्यूटर जो है वो एडजस्ट करेगा। आपको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपके जो मास्किंग है उसको कहीं कहीं बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको मोशन ट्रैक की मदद से काफ़ी आप हेल्पफुल रहेगा आपको, और आपको ये सीन जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया वो चलती हुई गाड़ी के ऊपर लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हमारी एडिटिंग मुकम्मल होगी, मगर हर सीन की तरह हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। कलर ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक सीन हमने चलते हुए रोड के ऊपर किया, दूसरा हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर किया। अगरचे हमने दोनों पर लाइट का ज़रूर देखा कि सूरज एक ही तरफ से पड़ रहा है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया होगा, जिसको आप कलर ग्रेडिंग के जरिए बेहतर करेंगे। कलर ग्रेडिंग के जरिए दोनों शॉट एक ही शॉट के लुक देगा, जिससे आपका सीन जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। गाड़ी रोके, मुझे उतरना है, चुपचाप बैठा रहे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ताज़ा हवा लेनी है, मुझे बाहर जाना है। गाड़ी की छत पर चल जा फिर तू। ओके, मैं जा रहा हूँ। उम्मीद आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगले ट्यूटोरियल तक ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।